Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our science class. Today, we will start our new chapter, that is chapter 5, acids, bases, and salt. Do you know what is the meaning of acid, bases, and salt? Acids are the substances which are sour in taste, means वो substances जो taste में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं acid, जैसे curd, vinegar, orange juice, etc. Now come to the bases. Bases are the substances which are bitter in taste. Bases वो substances होते हैं जो taste में कड़वे होते हैं और nature में ये क्या होते हैं slippery in nature. Examples are soap, baking soda. ये सब example हैं bases के. Now come to the salt. The product that is formed after the neutralization process is called salt. Neutralization के बाद जो product बनता है उसे हम salt कहते हैं. Neutralization process we will discuss in our later videos. Let's start the chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपनी daily life में बहुत सारे substances use करते हैं जैसे lemon हो गया, tamarind means इमली, salt, sugar, vinegar. Do they have the same taste? क्या इन सब का taste same होता है? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1. देखिए ये कुछ 5.1 में आपको कुछ substances दिए गए हैं. आपको इनका taste लिखना है, ठीक है? Sour होता है, bitter होता है या कुछ और, जो भी होता है वो आपको लिखना है. If you have not tasted any of the substances, taste it now and enter the result in 5.1. अगर आपने इसमें से कुछ भी taste नहीं किया है तो आप उसे taste कर लीजिए और उसके बाद उसका result इसमें टेबल में एंटर कर लीजिए. डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. जो चीज़ नहीं कही गई है उसे आपको टेस्ट भी नहीं करना है और उसे आपको टच भी नहीं करना है. आफ्टर कंप्लीटेड दिस टेबल यू विल फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट, इनमें से कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा होगा, कुछ का बिटर होगा, कुछ का स्वीट होगा, कुछ का सॉल्टी होगा, ठीक है? लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस. इसमें हम एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. ये खड्डे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. इसीलिए इन सारे जो ये सब्सटेंसेस हैं इनका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक. क्यों? क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसेर. एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एसेर से लिया गया है जिसका मीन्स होता है सॉर, मीन्स खट्टा. The acids in these substances are natural acid. इनमें जो भी हैं इन substances में जो भी acid हैं वो natural acids हैं. What about baking soda? Does it also taste sour? अब baking soda कैसा होता है? क्या ये भी taste में खट्टा ही होता है? If not, what is its taste? अगर नहीं तो कैसा taste होता है इसका? Since it does not taste sour, it means that it has no acid. अगर इसका टेस्ट सॉर नहीं है, खट्टा नहीं है, तो इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. ये कैसा होता है? टेस्ट में कड़वा सा होता है. इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. अगर आप इसके सॉल्यूशन को अपनी फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो ये कैसा फील होगा? सोपी. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. जनरली वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और फील करने पे, टच करने पे सोपी सोपी से लगते हैं वो बेसिस होते हैं. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज ऑल्सो
सेट टू बी बेसिक, इसीलिए इन सब्सटेंसेस के नेचर को क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं।